बिल्कुल चिट्टी चिट्टी पानी की तरह निकाल रहे हैं। पानी निकाल रहे हैं कि पानी की तरह निकाल रहे हैं यार? मैजिक बोल निकाल। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे रहा तो कब हटा देने। निकालने से पहले अलग अलग अपने आप ही एक कलर की दो बोल अंदर चली जा रही प्लेट में। तो चलिए प्लेट में जा रही, कहीं बाहर तो नहीं जा रही है। मैजिक बोल खुद भी सहयोग कर रहा है हमको लग रहा है। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों को स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मैजिक बोल मतलब वाटर बोल रखा गया है जो रंग तरह तरह के रंग बिरंगे कलर में होता है। तो आज हमारा यही चैलेंज है और एक खाने का चैलेंज नहीं है। आज इसको छांटना है। जो 100% 100+ छांटेगा उसको 1100 रूपये पुरस्कार मिलेगा। तो देखते हैं चैलेंज में कौन आज प्रतियोगिता में विनर होता है। अगर नहीं छांट पाएगा मतलब 100+ से नीचे रहेगा जो टॉप पे रहेगा उसको 300 रूपये पुरस्कार मिलेगा। देखते हैं चैलेंज में कौन पार्टिसिपेट करता है और कौन सेकेंड आता है, कौन फर्स्ट आता है। 100+ वाला फर्स्ट मतलब 1100 और जो नीचे रहेगा उसको सेकंड माना जाएगा, उसको 300 रूपये पुरस्कार मिलेगा। तो देखते हैं इस चैलेंज में कौन पार्टिसिपेट करता है और कौन फर्स्ट आता है, कौन मतलब सेकंड आता है, 100 से नीचे रह जाता है, कौन 100 से ऊपर जाता है। तो देखते हैं इस चैलेंज शुरू करते हैं और ये इसको छांटना है। जैसे ये छटी हुई है, अलग कलर की है, इतनी बोल है और ये अलग कलर की है। तो इसी तरह से छांटना है, चाहे आप एक ही कलर की सारी बोल 100+ छांट सकते हैं, चाहे ऐसे अलग अलग कलर की जितने कलर है सब अलग अलग प्लेटों में रख के छांट सकते हैं। तो देखते हैं कौन इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करता है और कौन सबसे आगे जाता है 100+ छांट करके 1100 रूपये की राशि लेकर जाता है। एक मिनट में 100 बाल जो छांट लेगा उसे 1100 रूपये का इनाम मिलेगा। तो प्रतियोगिता में शामिल हो चुके हैं माननीय राजू जी, प्याज के थोक विक्रेता हैं। तो आइए यहाँ पर थोक माल भी रखा हुआ है और सब छांटना है कौन प्याज अच्छी है कौन प्याज बेकार है। तो प्याज नहीं है, मैजिक बॉल है। तो एक कलर को आपको अलग करना है। तो चलिए पवन जी टाइमर चालू कर दीजिए और देखते हैं कि राजू जी कहाँ तक जाते हैं। हम थोड़ा राजू जी को क्लोजअप में दिखाना चाहते हैं कि क्या कमाल कर रहे हैं। ये देखिए, और बहुत अच्छा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। और आपको देख रहे हैं कि टाइमर 16 सेकंड हो चुका है अभी। छांटने से ज्यादा तो गिरा रहे हैं, गिराते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये देखिए, ये इनके हाथ में पकड़ में नहीं आ रहा है और छटक जा रहा है। ये भी छांट रहे हैं, ये दूसरी प्लेट में डाल रहे हैं। नहीं वो नहीं है, वो नहीं है। एक प्लेट की तो छाटे ही छाट ले रहे हैं। अच्छा, इनको पानी वाला कलर ज्यादा अच्छा है, अच्छा लगता है, इसलिए जो है वाटर कलर निकाल रहे हैं। देख लो अपने आप जो छट जा रहे हैं उससे निकाल ले रहे हैं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं और दिमाग अपना लगा रहे हैं। और फाउल होंगे कि आप पास होंगे। टाइम समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। ये बाद में 3 बोल और रखे निकाल दिया जाएगा। यार फिर आप तो वैसे ही ये देखो, ये देख लो, ये वैसे ही फेल हो गए। इनकी गिनती करने की जरूरत नहीं, एक कलर दूसरा वो भी एक नहीं दो दो कलर डाले हैं। आप मिला दीजिए, आप मिला दीजिए, जिस गोलीबाजी हो गए आप मिला दीजिए। वो पहले लोग इस समय देख रहे हैं जो चैलेंज लगा हुआ है, छांटो बिराओ और पैसा ले जाओ। तो यहाँ पर सीट संभाल चुके हैं, क्या नाम है आपका? शुभम। कहाँ के निवासी हैं? देलूपुर। तो चलिए देर न करते हुए शुभम के लिए टाइमर चालू कर दीजिए। एक ही कलर आपको निकालना है, तकनीक अपनाए एकदम सीधा सरल उपाय। दूसरा कलर तरह मिल रहे हैं तो दूसरा कलर निकलने का मतलब आप डिस क्वालिफाई हो जाएंगे, राशि ले भी जाएंगे भाई साहब। बहुत बढ़िया, अभी तो टैलेंट इनका सामने आया है। बहुत गजब कर रहे हैं, बहुत बढ़िया अपना दिखा रहे हैं और शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हैं। दूसरा कलर निकल गया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई और डिस्टर्ब ना करिए, बस उनको छांटने गिरा दीजिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और 36 सेकंड 37 सेकंड हो गए हैं, बहुत बढ़िया। छांटते रहिए आप, छांटते रहिए। एक मिनट के अंदर अगर गलत हुई आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एक मिनट के अंदर अगर गलत बॉल डाले हैं तो उसको निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, डाले हैं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। 4 सेकंड बाकी है, आप छांट बिरा लीजिए। अगर कोई दिक्कत देख लेना, कोई कलर डिस्टर्ब तो नहीं है। समाप्त हो गया और भाई साहब इतनी ही डी क्वालिफाई हो चुके हैं। ये दो बोले प्लेटें की गिनती हुई है और इतने में देख लीजिए 20 भी नहीं काउंट होगी।
और 20 से भी रह गए थोड़ा सा। अगर इनको हम बता रहे हैं तो भैया प्लेट पे नजर मार लीजिए, प्लेट पे नजर मार लीजिए, अगर प्लेट पे नजर मारे होते तो बहुत अच्छा कर रहे थे। और भाई साहब आए, हौसला दिखाए, भाई साहब का हम धन्यवाद करते हैं। और यह सब बोले फिर मिक्स कर देते हैं। देख रहे हैं भाई कोरोना चैलेंजर हमारे राजकुमार जी और कोरोना टाइम के मतीलाल जी आ गए हैं, तो इनका स्वागत करते हैं और शुरू हो जाइए। बहुत बढ़िया कर रहा है पहले जाती है देखा था बदलिए से कम गायब हो जाते भाई निकालत है लालत है निकालत है मुझे परेशान डालने ही निकालने में और लेकिन एक चीज बताएं पवन राजू जो छाटे थे राजू जो छाटे थे बहुत अच्छा छाटे का तरीका था उनका छाट बेरा पाता है। देख रहे हैं छाट बेरा हुआ चैलेंज में प्रहलाद जी आ गए हैं, बहुत नींबू छाटे हैं आज। ये मैजिक बॉल छाटना है और मैजिक बॉल देखने में तो अलग अलग लगता है, जब वो हाथ जाता है तो एक हो जाता है। इसी में कंफ्यूज हो जा रहे हैं जितने भी हमारे चैलेंजर हैं। अभी तो प्रहलाद जी आए हैं, शुरू हो जाइए प्रहलाद जी। प्रहलाद जी के लिए टाइमर चालू हो चुका है। अभी मंदीलाल जी आए थे, नजर परख के निकाल रहे हैं। अभी मंदीलाल जी आए थे, उनके प्लेट से निकल के भाग रही थी। अरे प्रहलाद जी बहुत ध्यान केंद्रित करके काम कर रहे हैं और ये उसी तरह काम कर रहे हैं जैसे नींबू कौन सा खराब है, कौन सा अच्छा है, कौन सा रसदार है। पीछे पड़े हुए हैं और आपको बता दें कि नींबू बहुत अच्छा बेचते हैं जोगापुर मंडी में। प्रहलाद जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, अभी तक कोई मतलब वो नहीं हुआ है, फाउल नहीं हुआ है अभी तक, कोई ऐसी गेंद नहीं है जो फाउल हुई हो। और बहुत कंसंट्रेट से कर रहे हैं, बिल्कुल हौसले से कर रहे हैं। हमको लगता है आज टारगेट सबसे पहले अगर देने वाले हैं तो प्रहलाद जी देने वाले हैं। और बताना चाहेंगे कि 50 सेकंड खर्च कुछ कर चुके हैं आप, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अब देखते हैं प्रहलाद जी कितने छाटे हैं। 39 देख रहे हैं। अभी तक ऐसे कोई चैलेंजर नहीं आए जो बिना फाउल के कोई बॉल निकाला हो, तो पहले चैलेंजर हमारे प्रहलाद जी हैं जो 39 बॉल एक ही कलर की बिना फाउल के निकाले हैं। तो प्रहलाद जी का धन्यवाद करते हैं। और पहले ऐसे जो इस मैच को छाटने में चैलेंजर है और पहले ऐसे चैलेंजर है जो टारगेट दिए हैं, तो देखते हैं इस चैलेंज में और कौन आता है, इनसे ऊपर जाता है और 300 रुपए की राशि के इनाम का हकदार होता है या 100+ छाट कर 1100 रुपए की राशि लेकर। यहाँ पर चाचा जी सीट समा चुके हैं, तो चाचा जी के लिए नेता जी, नेता 50 भी बोल प्लस छाट लेंगे तो 100% फर्स्ट आ जाएंगे। तो चाचा जी के लिए 50% डिस्काउंट है और चाचा जी शुरू हो जाइए। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं सीनियर सिटीजन में हम लोग डिस्काउंट देते हैं, तो चाचा जी के लिए फाउल नहीं होना चाहिए गेंदे को। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, अपने आप चली गई, अपने आप जाए चाहे जैसे प्लेट में एक ही प्रकार का होना चाहिए गेंद। यही तो मैजिक बॉल है साला, अपने आप भागता रहता है। मैजिक है कि मतलब ऑटोमेटिक कलर बदल जा रहा है, यहाँ लग रहा है जैसे लगता है। और केलो और चाचा जी आप जो है नींबू और संतरे में चाचा जी को लगता है कुछ फर्क नहीं पता लग रहा है। अभी संतरा सारा निकाल दिए है चाचा जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मेला अभी नींबू नींबू ही छाट रहे हैं, बहुत बढ़िया। और अरे फिर संतरा उसमें चला गया था। इधर ढूंढे उधर टाइम समाप्त हो गया। अब चिंता ये वाला मत डालिए, चलो हम लोग मान लिया जाता है। चाचा जी को थोड़ा सा 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 24 ही छाट पाए हैं चाचा जी। और चाचा जी आए, हौसला दिखाए, चाचा जी का धन्यवाद करते हैं और ताली बजा दीजिए यार चाचा जी के लिए। शुरू हो जाइए, आप देर न करते हुए आप छटिए छटिए छटिए, एक ही कलर पकड़ना है छाट पर आके, कलर मत बदल जाए बोल का, एक ही कलर डालिए।
क्योंकि ये मैजिक बॉल है, अपना कलर लगता है। अच्छा, इनको नीला कलर पसंद है क्योंकि नीले के पास जल्दी भागे हैं। गिरगिट के तरह कलर बदल लेता है। और चाचा जी आए थे अभी, नींबू छांट रहे थे, और उससे पहले प्रहलाद जी आए, संतरा सब छांट के अलग कर दिए। और प्रहलाद जी बहुत अच्छा कंसंट्रेट करके जो है काम किए थे। प्रहलाद जी को संतरा बहुत पसंद है, तभी उनतालीस कलर की। अभी तक टॉप पे प्रहलाद जी है, और हमको लग रहा है जिस तरह से भाई साहब मतलब दिखा रहे हैं, हमको लगता है प्रहलाद जी के नंबर काट देंगे। काट नहीं देंगे, टारगेट दे सकते हैं, लेकिन हमको अब विश्वास नहीं है क्योंकि ये 50 सेकंड खर्च कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई फाउल नहीं किए हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। टाइम नहीं, थाली बड़ी नहीं है, सबके लिए थोड़ी लिए अलग पैदा हुई क्या। 25 बोल ही छाटे हैं, जो चाचा जी आए थे उनसे एक बोल एक्स्ट्रा छाटे हैं। तो भैया जी के लिए ताली बजा दीजिए यार, 25 बॉल तक पहुँचे हैं। तो भैया गब्बर गजब यार, ये वही गब्बर है क्या जो बसंती को भगा ले गए थे? जो बसंती को नचाए थे। अच्छा अच्छा, सनी देओल कह रहे थे बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना, वही गब्बर है। तो चलिए ठीक है, चलिए आज बसंती को छोड़कर मंडी में आए हुए हैं, तो चलिए नचा पाते हैं, कितनी बोल छाट पाते हैं, तो हो जाइए गब्बर जी। आज हमको लग रहा है खुद नाचने लगेंगे। बसंती को चैलेंज दे रहे हैं नाचने का, आज खुद ही नाच रहे हैं। नहीं सही कर रहे हैं, बहुत गजब कर रहे हैं। प्रहलाद जी अभी टॉप पर हैं, ध्यान दीजिएगा, सब लाल लाल छाटत पे आवत है एकदम, चेरी वाला पसंद किए हैं एकदम। जिस प्लेट में रखिएगा उस प्लेट में एक ही कलर का मैजिक बॉल होना चाहिए। हाथ में ले रहे हैं, अब आप प्लेट में रख दीजिए, नहीं गिर जाएगी, भाग जाएगी। अरे बदल जा रहा है कलर में, कहा सब इतने उतले रखे, चार पांच तो नीचे गिरा दिए। अब बैठे हैं छाट में, रह रहे हैं बाबा, उल्टे चढ़ के आए हुए हैं। और फाउल हो गए हैं, गुड्डू अलावलपुर से तो शुरू हो जाएगी। गुड्डू अलावलपुर से आए हैं, गुड्डू हमको लग रहा है कि गुड्डू प्रहलाद जी की तरह ऑरेंज ही छाट रहे हैं। गुड्डू हमको लग रहा है कि मछली पकड़ते थे पहले, गुड्डू जी सोच रहे हैं अगर प्रहलाद जी को दबाना है तो ऑरेंज ही लादना पड़ेगा, और ला देंगे तो छटक जाएंगे प्रहलाद जी। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, इस बार लगता है कंफ्यूज हो गए थोड़े से, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। फाइनल में आपके प्लेट में दूसरे कलर की बॉल नहीं होनी चाहिए, और एकदम सूझबूझ से एकदम नजरें जमा के बिल्कुल टिका रखे हैं, बिल्कुल नजर भटका नहीं रहे हैं, और ऑरेंज के ऊपर ऑरेंज डाल रहे हैं और दूसरे कलर के पीछे नहीं जा रहे हैं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, 10 सेकंड रह गए हैं, मारिए बहुत बढ़िया। और बता देना चाहते हैं कि आपका टाइम समाप्त हुआ, टाइम समाप्त हो गया, हो डिस्क्वालीफाई हो गए आप, टाइम के अंदर डिस्क्वालीफाई हुए हैं। नहीं नहीं, जो लास्ट टाइम था, टाइम समाप्त होने के बाद इन्होंने निकाला है, तो इस वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए भाई साहब। भाई साहब आए, हौसला दिखाए भाई साहब, काम धन्यवाद लग रहा है आज कि जोगापुर मंडी में कोई ऐसा चैलेंजर नहीं है कि जो 11 फीट में राशि ले जाए। अभी तक सिर्फ पहला जी ऐसे चैलेंजर आए हैं जो इस चैलेंज में 39 बोल, मतलब अभी 40 क्रॉस भी कोई नहीं किया, 39 बोल ही प्रहलाद जी छाट पाए हैं, और 300 रूपये का हकदार हुए हैं। अभी तक कोई 11 रूपये का हकदार नहीं हुआ है, तो भाई साहब आए हैं, क्या नाम है आपका? दिनेश। कहाँ से आप? अलावलपुर से। तो शुरू हो जाइए दिनेश जी, छाटिए और इनाम दे जाइए। सबसे अलग कलर, आज का चैलेंज जो है खाने का नहीं है, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं जो खाने का चैलेंज था, कम से कम उसमें जीत नहीं पाते थे यार, कम से कम कुछ खा लेते थे। आज का जो चैलेंज है साला छाट पे आने का,
इसमें न छान पा रहे हैं, न बेरा पा रहे हैं, न कुछ खा पा रहे हैं, इसी में जूझ जूझ के मर जा रहे हैं। तो भाई साहब आए हैं, हमको लग रहा है कुछ हल कर रहे हैं, चलो देखते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि 35 सेकंड भैया का खत्म हो चुका है, अलावलपुर की धरती से आए हैं। टाइम समाप्त होगा तब बताएंगे फाउल है कि नहीं है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, अपना हौसला दिखा रहे हैं। अपने आप ही बॉल को निकली जा रही प्लेट में। नहीं, जिसको फाउल करना है वो बाल अपने आप चली जा रही है। टाइम समाप्त, एक बॉल डाले हैं इसका, टाइम समाप्त होने। तो आपका हुआ है 4, 4, 8, 10, 4, 14, 4, 18, 4, 20, 20 और 6। सभी भैया जी को यार ताली तो बजाइए। भाई साहब आए, हौसला दिखाए। भाई साहब आप लोग देख रहे हैं, भाई साहब आ चुके हैं। मोहम्मद को क्या नाम है, मोहम्मद का एफडी आए हैं। इसे छाट भी रहुआ चैलेंज में तो शुरू हो जाइए, छाट के बिराइए और इनाम ले जाइए। बहुत बढ़िया, जैसे कि मोहम्मद कैफ बैठना भी उचित नहीं समझ रहे हैं और केवल छांटना जान रहे हैं। तो आज जो छट्टू चैलेंज है ना, दिमाग लगाते रहिए। ये छट्टू चैलेंज जो है आज चैलेंज से भी छांट दे रहा है लोगों को। इस चैलेंज में कई बार क्वालिफाई होते हुए अपने ही समझ में नहीं आ रहा है, बोलिए कौन से छाटे थे और कौन से जीते। अभी बताना चाहते हैं कि प्रहलाद जी जो है 39 बॉल छाट के जो है प्रहलाद जी आगे बढ़त बनाए हुए हैं। प्रहलाद जी नींबू छाटने का एक्सपीरियंस आज यहां पर दिखा दिए हैं। नींबू नहीं, संतरा छाटे थे। हाँ, लेकिन काम करते हैं नींबू का ही ना। लेकिन नींबू छोड़ के संतरे टूट पड़े यार। सही है, सही है। और ये मोहम्मद कैफ जी भी संतरे पे ही टूटे हैं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा हौसला दिखा रहे हैं। अभी 8 सेकंड का सिर्फ समय बचा है, टाइम समाप्त होने वाला है, देख लीजिए आप। नहीं सर, बस टाइम समाप्त, अब मत डालिए। अरे यार, नहीं टाइम के अंदर ही। बत्तीस है मोहम्मद कैफ जी, 32 बोल छाटे हैं। मैं तो मोहम्मद कैफ जी के हौसले के लिए धन्यवाद करते हैं और चाहेंगे एक बार मोहम्मद कैफ जी का ताली बजाइए यार। 32 बॉल छाटे हैं। देख रहे हैं बगले की तरह निगाह जमा के भाई साहब आ गए हैं क्या, सूरज भान मौर्य जी हैं। तो बगले की तरह निगाह जमाइएगा भाई बॉल पे और बॉल को छाट के आज निकाल के ही आप लोग आप 11 रुपए लेकर ही जाइएगा। शुरू हो जाइए, चाहे जो चाहे जितना छाटे में सब पुलिस। बहुत बढ़िया कर रहे हैं और मौर्य जी के हौसले से लग रहा है कि बिल्कुल निगाह जमाए हुए हैं, बिल्कुल चित्ती चित्ती पानी की तरह निकाल रहे हैं। पानी निकाल रहे हैं कि पानी की तरह निकाल रहे हैं यार। मैजिक बॉल निकाल। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे राजो का मैं हटा देने, निकालने से पहले अलग अलग अपने आप ही एक कलर की दो बॉल अंदर चली जा रही प्लेट में। तो चलिए प्लेट में जा रही, कहीं बाहर तो नहीं जा रही है। मैजिक बॉल खुद भी सहयोग कर रहा है हमको लग रहा है। हाँ, तखने में नहीं आवाज़ थे, छटक छटक जा रही छटक छटक। ध्यान दीजिएगा नहीं तो बाद में फाउल हो जाएगा। पवन जी आप जो बोलना है वहीं तक बोलिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जितना भी सजेशन देंगे उन लोगों को उतना बुरा लगेगा। तो अपने ढंग से जो कर रहे हैं करने दीजिए। अरे यार, दो प्लेट में देख रहे हैं, दो बोले अलग अलग कलर की निकली यार, खुद ही मिला दिए। रहा जाए रहा वे काफी बन जाता है। चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम समाप्त। नहीं नहीं चल जाएगा, नहीं यार नहीं चलेगा। जैसे क्या नाम है भाई, जैसे कि आप बात से दिखाइए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये वाटर बॉल में एक सफेद बॉल आ गई मोती वाली, तो इस वजह से सूरज भान जी फाउल हो गए। तो सूरज भान जी आए, हौसले दिखाए, सूरज भान जी का धन्यवाद करते हैं और इनकी बॉल आउट नहीं होगी क्योंकि फाउल हो गए। तो देख रहे हैं महाखली महाबली दारा पहलवान जी पधार चुके हैं इस मैजिक बॉल चैलेंज में। तो आज खाना नहीं है, आज निगाहें जमाना है। तो देखते हैं दारा जी कितनी निगाहें जमा पाते हैं, कितनी मैजिक बॉल को छाट पाते हैं, क्या 1100 रुपए की राशि ले जा पाते हैं या दारा पहलाद जी से ऊपर जाकर 300 रुपए की राशि पाते हैं। तो शुरू हो जाएंगे दारा जी। दारा जी जैसे कि आप देख रहे हैं, दारा जी बहुत गजब का काम कर रहे हैं। हर प्लेट में को सजाना चाह रहे हैं, हर कलर से हर प्लेट को सजाना चाह रहे हैं। तो इनके लिए जो प्लेटें लगी हुई है लगी है, और एक ही कलर की दो प्लेट में लगाएंगे तब भी फाउल हो जाएंगे आप।
नहीं ये दादाजी थोड़ा सा गलत ये है कि हर प्लेट को सजा लिए तो इसलिए नजर जो है दूर तक दौड़ाना पड़ रहा है। और मैजिक बाल खुद दादाजी को सपोर्ट नहीं कर रही है, डालते हैं दूसरी बॉल चली जाती है दूसरी बॉल। एक एक कर जल्दी जल्दी बहुत बढ़िया कर रहे हैं और बहुत सूझबूझ दिखा रहे हैं। कैमरा रख गए तो टाइम और 10 विकेट कर रह गया है। आप अगर फाउल होंगे तो बाहर हो जाएंगे, चाहे जितनी बॉल डाले रहे। प्लेट में नहीं दिखा, प्लेट में ध्यान दे दीजिए। समय समाप्त हो गया है, फाउल हो गया, समय समाप्त हो गया है। और इतनी चटपटाहट, गर्दन ही दबा दिया मैजिक बॉल की। गर्दन दबाने के बाद भी दो प्लेटों में एक ही कलर है, इसलिए दादाजी से चैलेंज से मतलब फाउल हो गया है। तो देखते हैं अगला चैलेंज कौन आते। दादाजी खुद भी हंस रहे हैं जोर से। दादाजी ये बताइए क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत मुझको बिराने में हो रही है। अच्छा, सरदार नीलेश जी पधार चुके हैं तो हमारे चैलेंज में मऊदोस्तपुर से। तो नीलेश जी अपनी निगाहें जमा लीजिए और चैलेंज को शुरू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। गजा मुठिया तो लिए हैं, देखिए कहाँ तक पहुँचते हैं नीलेश जी। लेकिन एक ही डाले और सब निकाल दिए। नहीं, सोच रहे थे कि हमको जो निकालना है एक में निकाल के रखना है, अगर 5 प्लेट की तरफ दौड़ेंगे ना तो भाग जाएंगे। और नीलेश जी भी जितने भी चैलेंजर ऊपर जा रहे हैं सब संतरे के पीछे भाग रहे हैं। संतरा मोटा होता है, जूसी होता है, इसलिए संतरे के पीछे हर कोई भाग रहा है। और संतरे की दौड़ में नीलेश जी देखते हैं 1100 रुपए की राशि ले जा पाते हैं कि नहीं। और बहुत बढ़िया, बहुत सूझबूझ से, हिम्मत से, हाँ, पूरा दिमाग लगाए हुए हैं और बॉल को छाटने में लगे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा कि कोई बॉल अलग से न जाने पाए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। 10-6 उठा दे बस, गए तो जीत गए भाई। 43 जो खड़े बजा दे मेरे, जीत गए। ताली बज रही है नीलेश जी के लिए, ताली बज रही है। नहीं नहीं, टाइम समाप्त, एक बॉल एक्स्ट्रा डाले आप। तो देखते हैं दादा जी कितनी बोले हो गए। बड़ा बड़ा सुसान को अंदर हां, नीलेश जी के देखते हैं कितनी बोले हो गए। नीलेश जी आए 37 बॉल ही छाट पाए, लेकिन प्रहलाद जी 39 बॉल से बढ़त बनाए और प्रहलाद जी ही टॉप पे चल रहे हैं। प्रहलाद जी का नंबर कोई नहीं काट पा रहा है। लई बाजार से आए विजय कुमार जी, तो विजय कुमार जी शुरू हो जाएगी आप मतलब छाट भी रहा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं तिलई बाजार की धरती से चलकर आए हैं विजय कुमार जी। रखनी है और अगले कलर की बॉल अगले रख सकते हैं आप, चाहे जितने कलर की छाट सकते हैं। और एक कलर की बॉल एक ही बॉल प्लेट में छाटना है। अगर 100+ छाटेंगे तो आपको 1100 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। अगर नहीं छाट पाएंगे तो 39+ जाएंगे, अभी गेट 39 तक दिए हैं पहला जी, तो आपको 300 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और जितने भी चैलेंजर आ रहे हैं सब ऑरेंज के पीछे भाग रहे हैं, सोच रहे हैं सिर्फ ऑरेंज ही हाथ में चिपकेगी और कोई नहीं चिपकेगी और सब छटक जाएगी, तो इसीलिए ऑरेंज के पीछे भाग रहे हैं। और एक ही प्लेट में एक ही कलर रखना है, अगर 2 प्लेट में रखेंगे तो डीक्वालीफाई हो जाएगा। दूसरे प्लेट में दूसरा कलर आप छाट के रख सकते हैं। टाइम आपके पास समाप्त होने के कगार पे है। चार निकालिए, एक दो बॉल शायद ज्यादा लगे। विजय जी आए, पूरा हौसला दिखाए और 43 बॉल तक पहुंच चुके हैं, तो विजय जी के और प्रहलाद जी के नंबर भी काट चुके हैं। हम चाहेंगे विजय जी का एक बार सब तालियों से स्वागत करेंगे, क्योंकि सबसे टॉप पे आए हुए हैं। और विजय जी के बाद हमारे जो पीछे गोमती है, किराना की गोमती है, आशीष मौर्य जी है। आशीष मौर्य जी भी इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आशीष मौर्य जी का स्वागत है। और हम चाहेंगे आशीष मौर्य जी आए और नंबर भाई साहब को विजय जी के ऊपर जाए, क्योंकि अभी तक टॉप पे सिर्फ विजय जी हैं। 43 बॉल छाटे हैं, अभी 43 बॉल का कोई रिकॉर्ड नहीं बना हुआ है, मतलब 39 से ऊपर कोई नहीं गया था। अब विजय जी 43 बॉल पे गए हैं, तो शुरू हो जाइए। तो आशीष जी जैसे यहाँ पर जोगापुर मंडी में पान की दुकान लगाते हैं, चाय भी बनाते हैं, बॉल भी आशीष जी का सहयोग कर रही है, अपने आप कूद के चली जा रही है। वो जान रही है ना, अगर हम नहीं जाएंगे तो गुटखा कौन खिलाएगा, पान कौन खिलाएगा। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और एक ही कलर छाटना है आशीष जी, आपको छाटना है। विजय जी कितने बॉल छाट लिए हैं?
43 यानी 44 का टारगेट दिए हैं विजय जी। अभी एक बार भी प्लेट में रखे नहीं है, प्लेट ही नहीं से लगे हैं। रखे उससे ज्यादा तो बाहर निकल गए। लेकिन आशीष जो भी कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। दो दो कलर की एक में रख रहे हैं। और पीछे से सुरेश जी बता रहे हैं उसमें दो तीन कलर की है, छाट दीजिए नहीं फाउल हो जाएंगे आप। नहीं सुरेश जी सहयोगी हैं, नहीं पा रहे क्या बता रहे हैं। वे देखिए आशीष जी खुद ही भाग गए हैं। अपनी प्लेट देख के खुद ही आशीष जी चले गए। अगले चैलेंजर ग्रुप में पप्पू गारपुर से आ चुके हैं, पप्पू जी का स्वागत करते हैं। और पप्पू जी के बाद इस चैलेंज को समाप्त करके इसको और चैलेंज मतलब मैजिक बॉल का अलग करिश्मा दिखाने के लिए हम सबको ले चलते हैं। और पप्पू जी शुरू हो जाएंगे। और काफी चैलेंजर आए इसमें मतलब छाट बिराव चैलेंज में, और मैजिक बॉल से झगड़ के चले गए। और अभी तक सिर्फ 45 बॉल छाटे हैं विजय जी जो तिलई से हैं। काफी देर तक पहला जो बनाए थे तिलई बाजार की धरती से विजय जी आए हैं, आगे बढ़ गए। नीचे गिर गया, दूध नीचे गिर गया, दूध नीचे गिर गया। जितने भी चैलेंजर आ रहे हैं सब ऑरेंज के भी सही चला नहीं तो नीचे गिर गया दूध। बच्चे थोड़ा सा पीछे करेंगे पप्पू के पेड़ में। नहीं नहीं अपने हिसाब से करेंगे, जैसे करेंगे। पप्पू जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं अपने हिसाब से। और प्रहलाद जी कह रहे हैं अब हमारा नंबर तो कट गया है तो हम थोड़ा ट्रिक ही बता दें। और पप्पू जी को ट्रिक बता रहे हैं प्रहलाद जी। और इस चक्कर में कहीं प्रहलाद जी दो गोली भाई न हो जाए, फाउल न हो जाए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। समाप्त होने वाला है, टाइम समाप्त। और देखते हैं पप्पू जी का कितना हुआ है। दिखाया सिर्फ 37 बॉल पर तक जा पाए। पप्पू जी का धन्यवाद करते हैं। और विजय जी को हम चाहेंगे आए और इनाम की राशि लेकर जाए। जैसे कि आप लोगों ने देखा विजय जी आए, पूरा हौसला दिखाए और 43 बॉल तक छाट पाए और टॉप पर विजय जी रहे। और 50 प्लस भी कोई नहीं जा पाया। हमारा मेन मोटो था कि 100 प्लस को ही चला जाएगा, तो इनाम 1100 रूपये की राशि तो कोई नहीं ले जा पाया। लेकिन विजय जी आए, हौसला दिखाए, 43 बॉल तक सबसे ज्यादा छाटे, इसलिए हम विजय जी को 300 रूपये की इनाम की राशि दे रहे हैं। ये विजय जी पैसा पा गए हैं आप। विजय जी का धन्यवाद कर रहे हैं और विजय जी मतलब सम्मान दे रहे हैं हाथ मिलाकर। तो विजय जी के धन्यवाद कर रहे हैं। विजय जी आप पैसा पा गए तो बता दीजिए यार, गिन के दिखाइए 300 रूपये पाए। और यह दिमाग का गेम था कि मतलब बॉल को चाहे सारी कलर की बॉल छाटते, आराम आराम छाटते तो छाट सकते थे, लेकिन फिर भी जितना भी हौसला दिखाए। विजय जी का धन्यवाद करते